हमारे कुछ करीब के रिश्ते जब कुछ नियम पाबंदियां हम पर लगाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये लोग हमारा बुरा चाहते हैं, हमें आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। इनको शायद हमसे कोई ना कोई परेशानी है, वो चाहते ही नहीं कि हम आगे बढ़ें, जीवन में कुछ करें। और कहीं ना कहीं हम अपने निज रिश्तों के प्रति हमेशा नकारात्मक भाव रखते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है, इन सब से हमें कैसे बचना है और अपने जीवन में रिश्तों का सम्मान कैसे करना है, उसी से संबंधित आज की हमारी एक कहानी है। तो ध्यान से आखिरी तक सुनना, कहानी में आप खो जाएं उससे पहले ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नमो बुद्धाय। किसी नगर में एक संत का आश्रम था। वो बहुत ही ज्ञानी संत थे, अपने शिष्यों के साथ वहां रहते थे और उन्हें शिक्षा दिया करते थे। वो प्रतिदिन अपने शिष्यों को शिक्षा देते थे, साथ ही उनके शिक्षा देने का तरीका बहुत ही भिन्न था। वो ज्यादातर अपने शिष्यों को किसी ना किसी उदाहरण द्वारा ही समझाया करते थे ताकि वो आसानी से उनकी बातों को समझ सके। एक बार प्रत्येक दिन की तरह वो अपने सभी शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे, तभी उनका एक शिष्य उनसे एक प्रश्न करता है, गुरुदेव हमें हमेशा ये सिखाया जाता है कि व्यक्ति को अपने जीवन में सफल होना चाहिए और उसके लिए हर एक प्रयास करना चाहिए, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता कि एक सफल जीवन क्या होता है, क्या आप हमें पहले ये बताएंगे। ये सुन संत मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं कि अवश्य वत्स, लेकिन उसको बताने से पहले तुम मेरे साथ एक स्थान पर चलो। शिष्य पूछता है कि कहाँ गुरुदेव, तब संत मुस्कुरा के कहते हैं कि पतंग उड़ाने। ये सुन शिष्य कहता है कि क्यों गुरुदेव, तब संत कहते हैं कि सभी बाहर पतंग उड़ा रहे हैं, क्यों ना हम भी उसका आनंद लें। और तब वो अपने एक शिष्य से कहकर बहुत सारी पतंग मंगवा लेते हैं और सभी शिष्यों को खुले स्थान पर ले जाकर उनको एक एक पतंग दे देते हैं और कहते हैं कि आनंद के साथ इसे उड़ाओ। सभी शिष्य ये देख प्रसन्न हो जाते हैं कि आज उन्हें पहली बार आश्रम ऐसा कुछ करने के लिए मिल रहा है। सभी पतंग उड़ाने की तैयारी करने लगते हैं, पतंग लेकर सभी उड़ाना शुरू करते हैं। शिष्य खुले आसमान में बहुत ऊपर तक पतंग उड़ाकर उसका आनंद ले रहे थे। वहीं जिस शिष्य ने संत से प्रश्न किया था वो भी खूब आनंद के साथ अपनी पतंग उड़ा रहा था और संत वहीं एक जगह दूर खड़े होकर सभी शिष्यों को देख रहे थे। कुछ देर बाद वो शिष्य पतंग उड़ाते हुए देखता है कि उसकी पतंग अब ज्यादा ऊपर नहीं जा रही है। वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसे पता चलता है कि उसकी पतंग की डोर अब कम पड़ गई है, जिस वजह से वो ज्यादा ऊंचा नहीं जा रही। शिष्य को यूं परेशान देख गुरुजी उसके समक्ष जाते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ वत्स, तब वो कहता है कि शायद मेरी पतंग की डोर कम पड़ गई है, अब वो आगे और दूर नहीं उड़ पाएगी, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं। सभी कितने आनंद से पतंग उड़ा रहे हैं। ये सुन संत जी कहते हैं कि अब तुम क्या करोगे। शिष्य कहता है मैं अब स्वयं नहीं समझ पा रहा। तब संत उस शिष्य से कहते हैं कि यूं परेशान होकर कुछ नहीं होगा, कोई उपाय सोचो। शिष्य कुछ देर बाद पूछता है कि क्या हम इस डोर को ही काट दें तो यह आराम से खुले में और ऊंचा उड़ सकती है, ये नीचे नहीं आएगी। ये सुन संत जी कहते हैं कि ये तुम्हारी पतंग है, ये तुम्हारा निर्णय है, यदि तुम इसे काटना चाहते हो तो ऐसा कर सकते हो। ये सुन शिष्य कुछ नहीं सोचता और तुरंत धागे को काट देता है। डोर के टूटते ही पतंग हवा में तेजी से ऊपर की ओर जाती है। अपनी पतंग को अधिक ऊंचा उड़ता देख वो बहुत खुश हो जाता है कि उसकी पतंग सबसे ऊपर है, लेकिन वो खुशी कुछ ही पल की होती है
कुछ देर ऊपर जाने के बाद जब पतंग का संतुलन खराब होता है वो नीचे आने लगती है और धीरे धीरे करके नीचे आकर दूर गिर जाती है। संत और शिष्य ने यह पूरा दृश्य देखा होता है। शिष्य स्वयं की पतंग को यूं नीचे गिरते देख बहुत दुखी हो जाता है कि सबकी पतंग इतनी ऊंचाई पर उड़ रही है और उसकी गिर गई। उसका प्रयास असफल हुआ। वह अफसोस करने लगता है कि उसके साथ ये क्यों हुआ और उदास होकर वापस आश्रम चला जाता है। शिष्य को यूं देख वो पूरी बात समझ जाते हैं और तब संत उस शिष्य के पीछे जाते हैं और आश्रम पहुंच देखते हैं कि वो एक स्थान पर उदास बैठा है। उस शिष्य को यूं देख संत गुरु उसके समक्ष जाते हैं और उसके सिर पर हाथ रख के कहते हैं कि इतना दुखी क्यों होते हो वत्स। संत की बात पर शिष्य कहता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैं सबसे ऊंची पतंग उड़ा रहा था और सबसे पहले गिर गया। मेरे साथ के सभी शिष्य अभी भी आनंद से पतंग उड़ा रहे हैं, भला मैं कैसे दुखी ना हूं। शिष्य की बात सुन गुरु उसके समक्ष जाकर बैठ जाते हैं और कहते हैं कि कुछ देर पहले तुमने मुझसे एक प्रश्न किया था कि सफल जीवन क्या होता, तो यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। गुरु की बात सुन शिष्य कुछ समझता नहीं है। वो कहता है कि आप कहना क्या चाहते हैं गुरुदेव। तब संत उसे समझाते हैं कि जब व्यक्ति अपने जीवन में अपने लक्ष्य के लिए आगे बढ़ता है, कदम आगे लेता है, तो उसे कई तरह की परिस्थितियों का, मुश्किलों को देखना पड़ता है, जिसे पार करके ही वो जीवन में सफलता की तरफ बढ़ता है। हम बहुत प्रयास करते हैं और जब हम आगे बढ़ जाते हैं, सफल हो जाते हैं, तो उस सफलता की आड़ में, खुशी में, आसपास सब कुछ अनदेखा कर देते हैं। उस सफलता से इतना प्रभावित हो जाते हैं कि उसकी पट्टी हमारे आँख पर बंध जाती है, जो कि अनुचित है। जीवन में सफलता ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ हमें अपने आसपास के लोगों को, रिश्तों को भी साथ लेकर चलना चाहिए, ना कि उन्हें तोड़ना चाहिए, क्योंकि तोड़कर कुछ प्राप्त नहीं होता। हमेशा जोड़ना सीखें। तुमने जिस प्रकार ये सोचा कि पतंग की डोर काट देने से वो ऊंची उड़ेगी, तुरंत उसे तोड़ दिया बिना सोचे समझे, और उसका परिणाम क्या हुआ, वो नीचे गिर गई। और जिसने डोर को थामे रखा वो अभी भी उड़ रही है। उसी प्रकार जीवन में व्यक्ति को ऊंचाई पर पहुंच जाने पर अपने आसपास के लोगों से रिश्ता नहीं तोड़ना चाहिए। यही सब हमें अपनी जड़ों से बांध कर रखते हैं। और जब रिश्ते हों या अन्य कोई चीज, जब तक अपनी जड़ों से बंधी रहती है वो मजबूत बनी रहती है, उसे कोई नहीं तोड़ सकता। यही एक सफल जीवन है, जिसमें तोड़ना नहीं, जोड़ कर रखना सीखें। ये सदैव ही आपके जीवन में काम आता है। संत की बात सुन उस शिष्य को उसके प्रश्नों के उत्तर एक साथ मिल जाते हैं और ये सीख भी मिल जाती है कि जब सब परिश्रम करके आगे बढ़ते हैं, सफल होते हैं, तो जरूरी नहीं कि हर कोई आपको नीचे गिराना चाहे, आगे बढ़ने से रोके। नहीं, हमारे कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जो हमें आगे बढ़ता देख खुश होते हैं। हमारे माता पिता, उनके द्वारा बनाए गए कुछ कठोर नियम अनुशासन, हमारे गुरु, हमारे सही मित्र, ये कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, हमारा भला सोचते हैं, हमारी ताकत बनते हैं। इसलिए हमारा भी कर्तव्य है कि सभी को नकारात्मक होकर ना देखें, कुछ को सही तरह से समझने का प्रयास करें, जड़ों को मजबूत रखें, कमजोर नहीं। उनके द्वारा बनाए गए नियम भी हमारे हित के लिए होते हैं। आज वो जिस तरह आपके बारे में सोच रहे हैं, कल आप किसी के हित हेतु ऐसा सोचेंगे। ये उस समय की बात है जब महात्मा बुद्ध अपने सारे शिष्यों के साथ महाकश्यप को भी उस समय शिक्षा दे रहे थे। महाकश्यप बुद्ध के प्रिय शिष्यों में से एक थे। उन्होंने बहुत ध्यान से अपनी शिक्षा ली थी। उन्होंने कई वर्षों की प्रतीक्षा के बाद
जब अपनी शिक्षा पूर्ण कर ली और आत्मज्ञान को प्राप्त कर लिया था। महाकाश्यप उन शिष्यों में से एक थे जिन्हें गौतम बुद्ध ने अपने बराबर का स्थान दिया था और कई बार उनकी बढ़ाई भी की थी। वो एकमात्र ऐसे शिष्य थे जिनके साथ महात्मा बुद्ध ने अपने वस्त्रों का आदान प्रदान किया था। जैसा बुद्ध के संघ में नियम था कि सभी भिक्षुओं को धर्म प्रचार के लिए नगर नगर गांव गांव घूमना होता था, सभी को लोगों को सत्य से अवगत कराना होता था, लोगों को सही राह पर चलने के लिए प्रेरित किया जाता था और अब तक उनके सभी शिष्य ये करते आ रहे थे। लेकिन जब महाकाश्यप ने शिक्षा पूर्ण की तो बुद्ध ने महाकाश्यप को अपने पास बुलाया और कहा कि अब तुम आत्मज्ञान को प्राप्त कर चुके हो, अब तुम्हारा ये कर्तव्य है कि तुम अन्य सभी लोगों का मार्गदर्शन करो। बुद्ध की ये बात सुन वो कहते हैं कि उसके लिए क्या करना होगा तथागत। तब बुद्ध कहते हैं कि उसके लिए तुम्हें हर जगह जाकर धर्म का प्रचार करना होगा। ये सुन महाकाश्यप कहते हैं कि क्या मुझे आपसे दूर रहना होगा या आसपास ही। तब बुद्ध कहते हैं कि हर दिशा में जाना होगा। महाकाश्यप कहते हैं कि नहीं तथागत, मैं आपसे दूर किसी भी जगह नहीं जाऊंगा। ये सुन बुद्ध कहते हैं कि ये तुम क्या बोल रहे हो, यदि तुम अपनी शिक्षा का ज्ञान दूसरे को नहीं दोगे, उनका मार्गदर्शन नहीं करोगे, तो फिर उस ज्ञान का क्या अर्थ। ये सुन महाकाश्यप उत्तर देते हैं और कहते हैं कि तथागत, मैंने ये शिक्षा इसलिए ली ताकि मैं आपके पास रह सकूं, हर वक्त आपकी परछाई की तरह पास रहूं, ना कि नगर नगर घूमूं धर्म प्रचार के लिए। यदि मुझे ये ज्ञात होता कि आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद मुझे इस तरह धर्म प्रचार हेतु जाना होगा, आपसे दूर रहना होगा, तो मैं कभी इस ज्ञान को लेता नहीं। मुझे इन सब से कोई मतलब नहीं, मेरा उद्देश्य केवल आपके पास रहना था और कुछ भी नहीं। महाकाश्यप की ये सभी बातें सुन बुद्ध कहते हैं कि लेकिन हर समय तुम मेरे पास क्यों रहना चाहते हो, इसका क्या अर्थ है। तब ये सुन महाकाश्यप कहते हैं कि तथागत, मेरी इस शिक्षा को प्राप्त करने का केवल एक ही उद्देश्य था, वो ये कि जीवन भर आपके सान्निध्य में रह सकूं, आपकी सेवा करूं। मेरा केवल एक ही उद्देश्य है, आपकी सेवा करना। अब मैं आजीवन यही करना चाहता हूं। मुझे किसी धर्म प्रचार में जाने से ज्यादा सुख और आनंद आपके चरणों में रहने में मिलता है। कृपया कर आप मुझे अपने पास रखें, इसके लिए मैं अपने ज्ञान तक का त्याग करने के लिए तैयार हूं। यदि मुझे आपसे दूर होना पड़ा तो वो ज्ञान किस काम का। महाकाश्यप की ये बात सुन बुद्ध समझाते हुए कहते हैं, अपने सद्विचारों और ज्ञान का प्रचार करना, दूसरे को सत्य की राह पर चलने के लिए प्रेरित करना हमारा कर्तव्य है। और किसने कहा मैं तुमसे दूर हूँ, मैं हर वक्त तुम्हारे साथ हूँ, मेरी आशीषें सदैव तुम्हारे साथ रहेंगी। जब तुम अपने इस ज्ञान को विचार को सही जगह प्रचार करोगे, एक सही राह पर जाओगे, तब मुझे अधिक प्रसन्नता होगी, मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। उसके लिए तुम्हें अपने कर्तव्य को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, तुम अपना कर्तव्य पूरा करो जैसे सभी भिक्षु करते हैं। क्या तुमने कभी यह महसूस किया कि उनके पास ना होने से मुझे वो स्मरण नहीं है। ये सुन महाकाश्यप कहते हैं कि नहीं। तब बुद्ध कहते हैं कि जिस प्रकार मेरे सारे भिक्षु मुझे स्मरण है, ठीक उसी प्रकार तुम भी मुझे स्मरण रहोगे, मुझे अपने साथ सदैव पाओगे। जाओ अपना कर्तव्य पूरा करो। यदि तुम इस सांसारिक मोह से इस तरह जुड़े रहोगे तो मेरे साथ भी नहीं रह पाओगे और अपना कर्तव्य भी पूरा नहीं कर पाओगे। अधिक लगाव मोह हमें कमजोर करता है, मार्ग से भटकाता है, इसलिए कुछ चीजें सीमित हों तो सही रहता है।
बुद्ध की ये बात महाकश्यप को समझ आ जाती है कि शरीर से पास रहना जरूरी नहीं होता, और तब वो बुद्ध की बातों से प्रभावित होकर उनका शरण स्पर्श कर सारी मोहमाया संसार के लगाव को त्याग कर देते हैं और स्वयं को इन सब से मुक्त कर धर्म प्रचार के लिए निकल जाते हैं और सभी लोगों का मार्गदर्शन कर उनके जीवन के अंधकार को मिटाकर उसमें प्रकाश डालते हैं। अतः बुद्ध के जीवन की इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि व्यक्ति को कभी किसी से इतना लगाव, मोह या जुड़ाव नहीं रखना चाहिए जो उसे कमजोर कर दे और आपको आगे ना बढ़ने दे। ये आपको आपके कर्तव्य को भी पूरा नहीं करने देता, आपके कर्तव्य के बीच आता रहता है। इसलिए हमेशा सोच समझकर कुछ करें। आशा करते हैं ये बात आप समझे होंगे। धन्यवाद।